हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का जो लेसन नंबर 5 है, विंड्स। विंड यानी क्या? विंड यानी हवा। तो अभी क्या है इस लेसन में, विंड के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, कैन यू टेल सी आउटसाइड द विंडो ऑफ योर क्लासरूम विच ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विच आर स्टिल। अभी अगर आप लोग अभी क्लासरूम में होते तो क्लासरूम के बाहर अगर नहीं देख सकते हैं तो भी आप घर के बाहर विंडो के बाहर तो देख ही सकते हैं, है ना। तो आप देखिए कि हवा से कौन सी चीज़ें जो मूव कर रही है, हिल रही है, और कौन सी चीज़ें है जो जैसी है वैसी ही है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। विच ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन देयर ओन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप हिल रही है। विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग ऑन देयर ओन एंड वाई। कौन सी चीज़ें हैं जो अपने आप नहीं हिलती है, जब तक उन्हें हिलाया नहीं जाता तब तक वो नहीं हिलती है, और क्यों नहीं हिलती है। थ्रू दीज क्वेश्चंस मेक द स्टूडेंट्स थिंक ऑफ विंड्स। ओके, तो इससे बच्चों को सोचना चाहिए हवा के बारे में, विंड के बारे में। इतना लाइट लिखा हुआ, इतना बराबर दिख भी नहीं रहा है वो। ओके, वी फील द विंड बट कैन नॉट सी इट। अंडरलाइन करना इसको। हम लोग विंड को यानी हवा को फील कर सकते हैं ना। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो फिर हम लोगों को ऐसे लगता है कि अरे पंखा लगाओ, फैन चालू करो, तो हम लोग उसे फील करते हैं। फिर हम लोगों को ठंडक महसूस होती है, या फिर बाहर जाते हैं तो जब हवाएं चलती है तो हम लोग हवा देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग हवा को फील कर सकते हैं। अभी आप लोग अपने मुंह के भी सामने अगर अपना हाथ रख के ऐसे ब्लो करोगे ना एयर, तो हवा जब आएगी बाहर तो आपके हाथ को ठंडक महसूस होती है। हम लोग सांस भी लेते हैं तो हवा ही लेते हैं, तो हवा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। हम उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग उसे फील कर सकते हैं, है ना। तो व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन अवर सराउंडिंग मूव वी एक्सपीरियंस विंड। अभी जैसे कुछ चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू में अगर हिलती है, जैसे है, पेड़ के पत्ते हैं, कपड़े जो हम लोगों ने सूखने को डाले हुए हैं, या फिर पर्दे हैं घर में के, तो ये जब चीज़ें हिलती है तो हम लोगों को पता चलता है कि ये किससे हिल रही है, हवाओं की वजह से, विंड की वजह से ये चीज़ें जो है वो हिल रही है। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। व्हाई डज एयर मूव। अभी द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। अभी जैसे हवा जब बहती है उसे हम लोग विंड कहते हैं, जब हम लोग उसे फील करते हैं तो उसे हम लोग विंड कहते हैं। तो अंडरलाइन करना, व्हाट इज विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। एयर यानी हवा, विंड यानी बहती हुई हवा। Why does air move? तो हवा क्यों बहती है। तो try this. Get pairs of students to do this. अभी ये कुछ practical है करने के लिए, दोनों students को बुलाने के लिए कहा है। तो fold a paper into two some sized रोल्स। अभी देखो यहाँ पर
टेबल पर इस तरह से पेपर रोल करके रखे हुए हैं. कीप बोथ द पेपर रोल्स ऑन द साइड ऑफ अ टेबल. अभी उसे टेबल पर रखने के लिए कहाँ है, अगर आप लोग का क्लासरूम होता तो ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो टीचर आपकी करवाती, लेकिन आप लोग इसे घर पे भी कर सकते हैं टेबल के ऊपर या फिर ज़मीन पर भी कर सकते हैं. यू एंड योर फ्रेंड शुड सिलेक्ट वन रोल ईच. तो आप लोग कोई भी एक रोल सिलेक्ट कीजिए एक एक, विदाउट टचिंग द रोल ऑफ द पेपर और द टेबल. वट कैन बी डन टू मूव द पेपर रोल टू द अदर एंड ऑफ द टेबल. अभी उस रोल को हाथ लगाए बिना और फिर टेबल को भी टच किए बिना आप लोग किस तरह से वो जो पेपर रोल है उसे आगे की तरफ मूव करोगे. तो देखो यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को फिगर 5.1 में जनरेशन ऑफ विंड. तो देखो ये जो लड़की है वो एक किताब से हवा डाल रही है और यहाँ पर ये जो लड़का है अपने मुंह से हवा दे के उस पेपर रोल को आगे की ओर बढ़ा रहा है. थोड़ा सा जूम करेंगे तो हम लोग को क्लियरली दिखाई देगा. सी हू मूव्स द पेपर रोल फर्स्ट टू द अदर एंड ऑफ द टेबल. तो कौन है जो उस पेपर रोल को टेबल के दूसरे एंड तक सबसे पहले लेकर जाएगा. व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द डिले इन मेकिंग द रोल्स रीच टू द अदर एंड ऑफ द टेबल. अगर किसी का जो पेपर रोल है अगर वो पहले नहीं गया तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, सोचो तो जरा. हाँ, उसको कम हवा लगी इसके लिए वो धीरे गया, जिसे ज़्यादा हवा लगी वो तेज गया, है ना. व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द डिले. डिले यानी लेट होना इन मेकिंग द रोल्स रीच टू द अदर एंड ऑफ द टेबल. तो उन्हें लेट क्यों हो रहा है, जैसे जैसे उनको हवा मिलेगी वो वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे. व्हाट कैन वी डू टू मूव द रोल्स टू द अदर एंड ऑफ द टेबल विथ अ ग्रेटर स्पीड. और जल्दी से उन्हें उस एंड की तरफ पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, तो वो जल्दी से पहुंचेंगे. टच नहीं कर सकते उसको हम लोग, हाथ नहीं लगा सकते, ना वो पेपर रोल को हाथ लगा सकते हैं ना उस टेबल को हाथ लगा सकते हैं. तो हम लोगों को सिर्फ हवाई ब्लो करनी पड़ेगी उस पेपर रोल को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए. कैन अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर बी मूव्ड टू द अदर एंड ऑफ द टेबल इन दिस मैनर. तो इसी तरह से अभी जैसे हम लोग पेपर रोल को हवा ब्लो करके आगे की ओर धकेल रहे हैं एंड तक टेबल के, तो अभी आप लोग ऐसे सोचो कि पेपर रोल की जगह पर हम लोगों ने एक कांच का बॉटल लिया, उसे हम लोगों ने पूरी तरह से पानी से फिल कर दिया. ठीक है, कोई भी बॉटल लो, कांच का लो, प्लास्टिक का लो, उसे हम लोगों ने पानी से भर दिया. ठीक है, तो क्या इसी तरह से हम लोग उसे मूव कर सकेंगे अदर एंड तक. सोचो भाई, पेपर रोल और बॉटल जो पानी से भरा हुआ है इसमें फर्क है क्या नहीं. कैन वी यूज द सेम मेथड दैट यू ट्राइड फॉर मूविंग द पेपर रोल्स. तो भाई जो मेथड आप लोगों ने पेपर रोल्स को आगे ढकेलने के लिए यूज़ किया था, क्या उसी तरह से हम लोग इस बॉटल को भी आगे मूव कर पाएंगे, ये मेथड सही होगा उसके लिए. तो अभी भाई उसका हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, तो भौगोलिक तरीके से, ज्योग्राफिकल तरीके से अगर हम लोग उसको सोचेंगे तो कैसे होगा. वी हैव लर्न दैट द एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म
across the earth's surface. अभी हम लोगों ने सीखा है कि अर्थ के ऊपर जो एयर का जो प्रेशर है, हवाओं का जो दबाव है, वो सब जगह पे यूनिफॉर्म है क्या? सब जगह पे एक ही जैसी हवाएं बहती है क्या? नहीं, कहीं पर तेज़ हवाएं बहती है, कहीं पर मंद मंद हवाएं बहती है, कहीं पर धीमी हवाएं बहती है ना? तो हर जगह पर हवाएं जो बहती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसी नहीं होती. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स लो प्रेशर. अभी हवाएं कहाँ से बहती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं बहती है. अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें इन लोगों ने हम लोगों को हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ कहाँ पर है वो भी दिया हुआ है. देखो, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर इन टू लो प्रेशर, चेंज द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ रोटेशन. तो उसमें चेंजेस क्यों आते हैं? डायरेक्शंस में क्यों चेंजेस आते हैं? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो घूमते रहता है, उसका रोटेशन जो है वो कंटिन्यू चालू रहता है. अभी फिगर 5.2, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड. क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है. अभी ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आप लोगों को निकालना पड़ेगा, निकाल के आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये जो इन लोगों ने डिग्रीज यहाँ पर दी हुई है वो भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. एयर प्रेशर कहाँ पर लो हो रहा है वो भी आपको सब एरोस करके दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. और ये डायग्राम किसका है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो याद कर लेते हैं लेकिन डायग्राम का जो नाम होता है ना वही पता नहीं होता बच्चों को, और इसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स जाते हैं. फिर जब आप लोग देखते हैं, अरे ये डायग्राम तो मुझे आता था लेकिन यही डायग्राम निकालने का था वही पता नहीं चला मुझे. फिर ऐसे नॉर्मली होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है. इसके लिए मैं आप लोग को विथ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि डायग्राम का जो नाम है ना, आप लोग जब जब डायग्राम निकालोगे तो डायग्राम का नाम भी आप लिखते जाना, तो आप लोगों को फिर गलती नहीं होगी कि कौन से डायग्राम का नाम क्या है, कंफ्यूज भी नहीं होगे आप लोग. ठीक है, तो डायग्राम का नाम क्या है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स. जब ये आएगा आपको डायग्राम तो ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोगों को ये डायग्राम निकालना है. अभी आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं डिटेल में. Areas in a horizontal manner, winds are generated due to the movement. अभी winds कभी generate होता है? जब movement होता है तभी wind generate होता है ना? तो हम लोगों ने ये ऊपर जो हम लोगों ने जो experiment किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा है. The extent of the difference in the air pressure affects the velocity of the विंड. तो एयर प्रेशर जो होता है उसी के ऊपर विंड की जो वेलोसिटी होती है वो इफेक्ट करती है कि वो ज़्यादा बहेगी या कम बहेगी. इफ देयर इज लेस डिफरेंस इन द प्रेशर विंड्स ब्लो विथ लेस वेलोसिटी. अगर कम प्रेशर है तो हवाएं भी धीरे धीरे बहेगी. Winds blow with greater velocities if the pressure difference is greater. तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी हवाएं तेज बहेंगी. Wind speed also varies. Wind velocity is measured in the units of knots or kilometers per hour. तो अभी वेलोसिटी ऑफ विंड जो है हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो यूनिट्स ऑफ नॉट्स, तो नॉट्स जब हम लोग बोलते हैं तो के साइलेंट होता है, ठीक है, नॉट्स नहीं बोलोगे आप लोग, ओके, नॉट्स और किलोमीटर्स पर
खबर, तो कितनी हवाएं बहती है। जैसे आप लोग अभी हवामान जो होता है वेदर के बारे में जब आप लोग देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अभी जैसे तूफान आने वाला होता है तो कितनी तेज हवाएं बहने वाली है वो हम लोगों को पहले ही बता देते हैं। और बहुत ज़्यादा डेंजर होगा तो वो जो है जहाँ पर ये हवाएं बहने वाली है तो वहाँ के लोगों को खाली किया जाता है, टेम्पररीली उन्हें शिफ्ट किया जाता है सेफ जगहों पर। गिव इट अ ट्राई, राइट द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द टेबल बिलो। अभी प्रेशर बेल्ट के हिसाब से आप लोगों को ये लिखने के लिए कहा है। ये मैं आप लोग को देने वाली हूँ जब मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी तभी। प्रेशर बेल्ट कितना होगा जब आप डायग्राम निकालोगे तो आपको पता चलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो दक्षिण ऋतु नॉर्थ यानि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर विषुववृत्त एंड साउथ यानि दक्षिण विषुववृत्त, आई होप आई एम राइट। तो मिड लेटिट्यूड्स में और पोल्स में कितने डायरेक्शन में विंड बहने वाली है तो ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं आंसर देती हूँ। When we consider the earth as a whole, we find the direction of the wind is influenced by the rotation of the earth. आप लोगों ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही सीखा है कि अर्थ हमारा जो है वो रोटेट करते रहता है। तो ये जो दिन रात होते हैं है ना, जैसे डेज जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, वेयर एज इन सदर्न हेमिस्फीयर दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। अभी आप लोग जब डायग्राम देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो होते हैं वो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में बहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में बहती है। तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसके लिए सी फिगर 5.2। दिस डायरेक्शन हैज बीन शोन बाय कर्व्ड एरोज इन द फिगर। जो कर्व्ड एरोज है उसमें हम लोगों को उन लोगों ने बताया हुआ है, द रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉज दिस चेंज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। और इसी तरह से सेम ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट भी होता है। कैन यू टेल, ऑब्जर्व फिगर 5.3 एंड आंसर विच आर द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट ब्लो फ्रॉम द मिड लेटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। What is the direction of westerlies in the southern hemisphere? Which planetary winds blow from the mid-latitudinal high-pressure belt is the subpolar low-pressure belt in the northern hemisphere? Why is the direction of polar winds not the same in both the हेमिस्फीयर? तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं देती हूँ आप लोगों को जब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये जो 5.3 जो दिया है इन्होंने, उसके पहले हम लोग 5.2 हम लोगों ने देखा ना अभी, हाँ ये यही प्रॉब्लम होता है जब हम लोग ये पीडीएफ में से पढ़ाते हैं ना, ढूंढते रहना पड़ता है। Name the winds that blow in the southern hemisphere. In which direction do the easterlies blow in the northern and southern hemisphere?
ये भी आप लोगों को डायग्राम निकालना पड़ेगा केयरफुली, और दोनों डायग्राम में क्या फ़र्क है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी डायग्राम निकालो, और डायग्राम का नाम क्या है, प्लेनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हवाएं तेज बहती है, और कहाँ पर प्रेशर कम होता है तो हवाएं धीमी बहती है, ये आप लोगों को डायग्राम निकालने के बाद पता चलेगा। ओके, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं बुक लेके आपको समझाऊंगी। विंड्स आर नोन बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो। अभी हवाएं भी कौन से डायरेक्शन में बहती है उस हिसाब से उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे भी सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नाम क्यों दिया, क्योंकि उस डायरेक्शन से वो बहती है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्नाइज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, जो वेस्ट साइड से बहती है उसे वेस्टर्नाइज कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग, द ड्यूरेशन, द रीजन कवर्ड एंड द कंडीशन ऑफ द एयर डिटरमाइन द फ्लोइंग विंड टाइप्स। अभी वेस्टर्नलाइज विंड्स जो होते हैं, जब हवाएं वो बहती है तो वो कौन से डायरेक्शन में बहती है, उनका ड्यूरेशन कितना होता है, वो कौन से रीजन, कौन से जगह को वो कवर करती है, उसका कंडीशन क्या है, क्या बहुत तेज बह रही है या वो धीमी बह रही है, तो कौन से टाइप्स की विंड्स वहाँ पर बह रही है, तो उसकी स्टडीज हम लोगों को पता चलती है। प्लेनेटरी विंड्स, अभी प्लेनेटरी विंड्स जो है भाई कितना बड़ा है ये लेसन पहले मैं देख लेती हूँ, तो पार्ट वन पार्ट टू में हम लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आई होप। अभी ये पार्ट वन में ही हम लोग ख़त्म कर देते हैं, और पार्ट टू जो है वो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि लेसन जो है वो बड़ा है और आप लोगों को ये सब भी समझाना पड़ेगा मुझे, तो हम लोग जाते हैं आराम से, है ना। वैसे भी अभी 22 मिनट का ये वीडियो हो गया है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग पार्ट टू में बुक से मैं आपको सिखाऊंगी, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, समझ में नहीं आता पीडीएफ में कौन सा डायग्राम कहाँ पर है करके, ठीक है। तो मैं बुक में से ही आपको अगला जो लेसन है वो पार्ट टू में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। और कोई डाउट होगा इसमें तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, तो पार्ट टू में मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। ओके, तो इस तरह से पार्ट वन जो है अपना कंप्लीट हो गया है विंड का, और पार्ट टू में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फ्री है मेरा चैनल तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, प्रॉमिस। तो मैं अपने अभी 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, और जल्दी से हम लोगों को इससे सिल्वर बटन तो मुझे मिल गया है। अभी आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने दीजिएगा, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग जल्दी ही पहुँचेंगे गोल्डन बटन की तरफ। अभी ये सिल्वर बटन और गोल्डन बटन तो ठीक है, मेरे बोलने के पीछे का एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो लोग सीखे, और इसीलिए तो मैंने ये चैनल मेरा फ्री रखा हुआ है। ओके, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना आप लोग मेरे चैनल का लिंक, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पढ़े हैं वो बने हैं टॉपर्स उनके क्लास के, ठीक है। तो आप भी बने टॉपर, और दूसरे बच्चों को भी मौका दीजिए टॉपर बनने का। ओके, तो चलो देन, स्टे होम स्टे सेफ, All the best and bye-bye.